नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्वर्सेशन शिक्षा पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, जो क्लास टेंथ में बहुत बार पूछा जाता है और कई बार आ भी चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दृष्ट धारा जो होती है इसे हम लोग DC बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसे AC हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो दृष्ट धारा क्या है समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में, इससे तुरंत याद हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सब लोग अपने रफ्तापी पर लिख लें। तो दृष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण नियत होता है, नियत मतलब होता है शून्य होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, तथा परिपथ के किसी बिंदु में से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जो धारा होती है, जिस धारा हुआ होती है, जो परिपथ में एक ही दिशा पर प्रवाहित होती रहती है, प्राथमिक तथा संचायक सेलों द्वारा प्राप्त धारा दृष्ट धारा ही होती है। यानी जो प्राथमिक सेल और संचायक सेलों द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है, यानी वह परिमाण होता है जिसका रूप क्या हो, आवर्त के हिसाब से बदलता रहता है, तथा दिशा बार बार उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। विद्युत जनित अथवा डायनमो द्वारा प्राप्त धारा दृष्ट धारा कहलाती है, यानी जो विद्युत जनित और डायनमो द्वारा जो धारा प्राप्त होती है उसे DC कहते हैं, ठीक है। अब फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं इस तरीके से कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड वो लेती है, यानी 1 सेकंड में वो लगभग 50 चक्कर पूरे करती है। यानी 1 सेकंड में वो कितने चक्कर पूरे करेगी, 50 चक्कर को। एक चक्कर पूरा कैसे होता है, यानी A, B, C, D और E, यहां से AB और CD और E तक आने पर उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और जो दूसरा चक्कर है वो फिर इसे स्टार्ट होकर आगे की ओर धारा परिपथ में बहती रहती है, ठीक है। तो AC क्या होती है, AC होती है दृष्ट धारा, ठीक है, जिसका मान नियत होता है और वह परिपथ में किसी बिंदु से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। यह प्राथमिक तथा संचायी सेलों द्वारा प्राप्त होती है, इसके द्वारा प्राथमिक एवं संचायी सेलों द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, यह उत्क्रम रहती है और यह किससे प्राप्त होती है, विद्युत जनित अथवा डायनमो द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है, समझ गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।